अपन स्टार्ट कर रहे हैं 13.8 क्लास 9 सरफेस एरियाज, ठीक है ना। तो अगर अपन चलें तो आपको पहले क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता ही कितना है, 4/3 πr³। तो सर अगर हम आपकी बात माने भी 4/3 πr³, तो इसमें r कितना है, 7। तो 4/3 × 22/7 अगर अपन बात करें तो इंटू आर क्यूब, आर कितना है पहले लिखे इसमें, 7 × 7 × 7। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये रहे, फर्स्ट का सेकंड पार्ट चले, फर्स्ट का सेकंड पार्ट में क्या था, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πr³। तो 4/3 × 22/7 इंटू कितना, 0.63 और 0.6। सर क्या इसके आंसर निकाल सकते हैं, मैंने बोला हाँ, मैं आपको क्वेश्चंस की ट्रिक्स दूंगा, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे अपने क्वेश्चंस के आंसर के साथ। सेकेंड आपको क्वेश्चन है आपका फाइंड द अमाउंट ऑफ वॉटर। अब जैसे ही वो अमाउंट ऑफ वॉटर मुझसे पूछने की बात कर रहा है, इनडायरेक्टली वो मुझसे वॉल्यूम ही मांग रहा है। सर क्या बात कर रहे हो, क्या वो अमाउंट ऑफ वॉटर में आपसे वॉल्यूम ही मांग रहा है? हाँ, और आपको डायमीटर गिवन, सर डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर अगर आपको गिवन है 28, तो ऑटोमेटिकली रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 14। यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 × 22/7 × 14 × 14 और × 14, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले में 0.21 डायमीटर गिवन है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.21/2। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 × 22/7 × 0.21/2 0.21/2 और 0.21/2। सर ये तो बहुत नॉर्मल था, मैंने बोला हाँ ये क्वेश्चंस काफी इजी हैं, सिर्फ वॉल्यूम पता होना चाहिए। सर किस चीज के लिए, 4/3 πr³, तो उन्होंने वॉल्यूम निकालने के लिए ही बोला है। तो क्या सर हमको वॉल्यूम पता होने चाहिए, मैंने बोला हाँ यार दोस्तों वॉल्यूम पता तो होने चाहिए, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, तो आपको बोला क्या रखा है, डायमीटर ऑफ बॉल देके रखा है कितना, 4.2। सो कैन वी टेक रेडियस एज व्हाट, 2.1। फाइंड द मास ऑफ द बॉल इफ मेटल इज इक्वल टू, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 ग्राम। उनको बोला हमको मालूम पड़ गया कि तू सेंटीमीटर क्यूब मतलब किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की, हम बॉल का क्या निकालनी है, ये बॉल है, इस बॉल में बोल रहे हैं जितना इसका वॉल्यूम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 ग्राम। हमने बोला हम पहले वॉल्यूम तो निकाले, जो कि होता है 4/3 πr³, मतलब 2.1 × 2.1 × 2.1। सर 7 और 3 को काट दे तो 7 3 से कितना होता है, 21। तो सर कहीं ना कहीं ये कट के 0.1 बच जाएगा, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कहीं ना कहीं 4 × 22 इस कितना, 88 × 0.1 और 2.1 × 2.1 इज 4.41, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट अगर आपको मास ऑफ बॉल निकालना है, तो मास ऑफ बॉल हो जाएगा 8.8 × 4.41। सर ये तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, ये तो क्या आ जाएगा, और सर एक सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम मास है, तो वो है सर 8.9। तो इंटू कितना, 8.9 × 8.9। चेक करो, सोचो, जब ही कोशिश करते हो, तो सर हम किस प्रकार से वर्क करेंगे, तो समझिएगा दोस्तों, किसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। मतलब देखिए सीधी बात है, तुम तो डायमीटर ऑफ मून अगर एक्स है तो मून तो छोटा होता है, हाँ सर बड़ी बात है, और अर्थ क्या होती है, बड़ी, तो आप अर्थ का डायमीटर क्या मान लो, 4x।
भाई ये इसका 1/4 है ना, ये हो गई अपनी अर्थ, ये क्या हो गया अपना मून। तो अपन ने मून का अगर एक्स माना तो अर्थ का क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। तो सर मून का रेडियस कितना हुआ, रेडियस ऑफ मून कितना हुआ, वो हो जाएगा x/2, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा 2x। तुमसे बोला है फाइंड द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वही चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालते हैं अपन को। हमने बोला ये भी कोई बोलने की बात है, अभी निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मून कितना होगा सर, दोनों गोले गोले 4/3 पाए, मून का क्या आर है x/2, तो 4/3 पाए r³, और नीचे भी क्या आएगा 4/3 पाए, अर्थ का क्या आर है, ये रहा अर्थ का आर, वो कितना हो गया 2x³। तो 4/3 पाए से 4/3 पाए काट दिया। तो सर क्या बात करें, अगर अपन अच्छे से बात करें तो समझिएगा ये हो जाएगा x³/8 अपॉन में कितना 8x³, तो कहीं ना कहीं वो हो जाएगा 1/64। 1 बाय कितना 64। क्या सर इजी था, मैंने बोला कुछ नहीं, उन्होंने खुद ने रेशियो तो पूछा था 4/3 पाए से 4/3 पाए कैंसिल, यहाँ पे x/2 और यहाँ पे कितना 2x। सर इजी ही है, मैंने बोला हाँ मुझे भी अच्छा ही लगा, एक बार आप भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या, उन्होंने अगेन लीटर्स पूछ लिया, एक बार ध्यान रखना 1 m³ = 1000 l होता है, और जहां ये लीटर की बात कर रहे हैं, जहां मीटर की बात कर रहे हैं, वहां क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, वॉल्यूम। जहां ये लीटर की बात कर रहे हैं, जहां ये मीटर की बात कर रहे हैं, वहां क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, वॉल्यूम। तो ठीक है, मतलब अच्छी बात ही है, मैंने बोला हाँ अच्छी बात तो है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरियल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 cm प्रोड्यूस। मतलब पहली बात तो हेमिस्फेरियल, इसका मतलब पूरी बॉल है कि आधी बॉल है, आधी बॉल है। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 10.5/2। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 10.5/2, और अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो तो इसका होता है 2/3 r³, क्योंकि इस बार ये फुल स्फेयर नहीं है, ये क्या है दोस्तों हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 × 22/7 × r, कितना हो जाएगा 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2। तो ये 2 से 2 गेट कैंसल, ये 2 से ये 11 जा, कहीं ये 7 1 जा, ये 7 1.5 जा। सर ठीक है, मतलब अगर अपन इसके आगे कुछ ट्राई करें तो मैंने बोला ये 3 1 जा और ये 0.5 जा, 11 को आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 0.5 से 5.5 × 10.5 × 10.5 अपॉन में कितना 2 m³। लेकिन दोस्तों उन्होंने तो आंसर मीटर क्यूब में नहीं पूछा है, उन्होंने आंसर अगर अपन बात करें, उन्होंने आंसर किस में पूछा है, लीटर्स में। तो इस पूरे को अपने को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, इस पूरे को आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना, सर अगर मैं बात करूं तो ठीक है। क्या यूनिट सेंटीमीटर है। क्या बेटा सेंटीमीटर गिवन है, ओहो ये सब सेंटीमीटर में गिवन है, तो ठीक है दूसरी चीज लिख लेते अपन, ये सब में जो तो तुम्हारा आंसर आएगा वो किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान रखना नई बात, 1 l इज इक्वल टू 10,000, सो 1 l इज इक्वल टू 1,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सर इस लीटर को अगर आपको इस चीज को लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसे मल्टीप्लाई बाय 1,000 नहीं, डिवाइड बाय 1,000 करना, तो अपॉन में 1,000 लिख लेना, अपॉन में कितना लिख लेना 1,000। पहले क्या था, 1 m इज इक्वल टू 1,000 l, और आगे की बात 1 l इज इक्वल टू 1,000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे मीटर से लीटर में गए, जैसे लीटर से कहाँ गए सेंटीमीटर में। सर अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपसे,
तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपसे ये बोल रहा है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ अ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, इनर रेडियस इज 1 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। देखो ध्यान से, अगर वो बोल रहा है कि ऐसी पूरी मोटा बाउल है जो कि 1 सेंटीमीटर थिक है, मतलब ऐसा, अब आपको आयरन तो इस एरिया में लगा होगा यार, बाकी तो भीजा खाली है ना। तो अगर कोई मुझसे पूछे सर इस एरिया का, जो ऐसे एरिया है शेडेड रीजन वाले एरिया या शेडेड रीजन का आप वॉल्यूम बता पाओ, तो मैंने बोला देख अगर ये रेडियस होता तो उन्होंने बोला है कि इनर रेडियस कितना है 1 मीटर और ये थिक कितना है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर थिक है तो ये जो बाहर का रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.01, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 1/100 मीटर। अरे 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा 1/100 मीटर, और 1/100 का मतलब ही कितना हो गया 0.01। तो सर अब अगर आपको ये शेडेड रीजन निकालना है, इन शॉर्ट आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई बच्चा बहुत तकनीक समझे तो सर बड़ा वॉल्यूम जो पूरा बड़ा वॉल्यूम है, मतलब छोटा वॉल्यूम अगर आप माइनस कर दोगे, मतलब बड़ा वॉल्यूम में से छोटा वॉल्यूम अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा शेडेड रीजन, अरे बाहर का वॉल्यूम, तो आउटर वॉल्यूम माइनस व्हाट इनर वॉल्यूम। तो सर आउटर वॉल्यूम में आप क्या करोगे 2/3 आए, बड़ा वाला रेडियस कितना हो गया 1.01 का क्यूब माइनस 2/3 पाय 1 का क्यूब। सर चाहो तो 2/3 पाय कॉमन ले लो, अब 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। चेक कर लो सर, जो भी आंसर आ जाए वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ आयरन 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज, हमने बोला स्फीयर और वो भी उसका सरफेस एरिया, तो वो तो क्या होता है 4π r² = कितना 154, मतलब 4 × 22/7 × r² is equal to 154। तो सर कहीं ना कहीं 22 वन सा ये 7 सा, तो r square is equal to 7 × 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, भाई नीचे का 7 चला गया ऊपर, तो सर कहीं ना कहीं दिल कह रहा है कि r square is equal to 7 × 7 मतलब 7 का square अपॉन में 2 का square। सर इस केस में कहीं ना कहीं r is equal to कितना हो गया, r is equal to हो जाएगा दोस्तों 7/2, और सर इसी का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो 4/3 पाय r क्यूब, r क्यूब का मतलब क्या 7/2 और 7/2। क्या कहते हो दोस्त, क्या ये क्वेश्चन इजी था? मैंने बोला हाँ, r निकालना था फिर आर पुट करना था। सर थोड़ा सा अगर अपन आराम से देखें तो मैंने बोला देखो 4π r² गिवन था, 22 और 154 को आटा, 7 r² = 7 × 7 अपॉन में कितना 4, फिर देखा तो ये r² = कितना हो गया 7/2 का स्क्वायर, और सर फिर आपने क्या लगा लिया वॉल्यूम। सर ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया। अब अगर अपन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहां जा रहा है, द डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60। पहली बात तो ऐसा बोला है कोई बिल्डिंग का डोम होता है ना, था डोम गुंबज टाइप का, इसमें कलर करा गया, तो सर कलर काय पे होता है सरफेस एरिया पे, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ व्हाट हेमिस्फीयर कितना होता है 2π r² = कितना होता है 2π r². अच्छा, और अगर मैं बोलूं कॉस्ट का लॉजिक क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, हमेशा जो भी सरफेस एरिया जिस पे आपने पेंट किया है, इनटू कितना रेट,
तो सरफेस एरिया इनटू कितना रेट इज इक्वल टू व्हाट टोटल कॉस्ट. अब आपका टोटल कॉस्ट हो गई है 4989.60 इज इक्वल टू सरफेस एरिया. सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इनटू कितना रेट, और रेट कितना है 20. रेट कितना गिवन है आपको 20 पर स्क्वायर मीटर. सर ठीक है, ये बात भी आप अच्छी बोल रहे हो. मैंने बोला हाँ बातें तो खैर अच्छी ही होती है. तो अगर अपन देखें तो ये ऐसा हो जाएगा क्या 4989.6 इंटू 7 इंटू 20 अपॉन में कितना 4 इंटू 22 इज इक्वल टू कितना आर स्क्वायर. हाँ सर बात तो सही है कहीं ना कहीं. मैंने बोला हाँ बात तो बिल्कुल सही है कहीं ना कहीं. अगर अपन देखें तो सर क्या 11 से काटने की कोशिश करें क्या. मैंने बोला चलो काटते हैं. ये 11 टू जा 11 फोर जा कितना हो 44 5 58 5 जा 39 शायद 3 जा. वाह यार बड़ा गेम कट गया. ये 1 जा और ये कितना 10 जा. इन शॉर्ट अगर अपन देखें तो ऊपर क्या बच रहा है आपके पास. अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 453.6 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन में 4 इज इक्वल टू कितना आर स्क्वायर. क्या बात कर रहे हो. मैंने बोला हाँ मतलब अच्छा ही है. इसको काटें 2 साथ ही कितना हो जाएगा 2 और एक लिखा है इक्वल टू 2 आर स्क्वायर लिखा ना इक्वल टू आर स्क्वायर 226.8 सर. और काट दो तो 113.4 सर. बात तो ये भी सही है. इन शॉर्ट ये हो जाएगा 1134 इंटू क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ना 7 इज इक्वल टू कितना आर स्क्वायर. अब अगर आपको 1134 को टाइम फैक्टराइज करके देखना है पता नहीं क्यों दिल बोल रहा है कहीं ना कहीं 7 तो आएगा. चेक करते 5 देन कितना 6 देन कितना 7. ओहो क्या सही है क्या 567 अगर यहां तक देखे तो. ये 7 से हो रहा है. हाँ सर 7 से तो हो रहा है. 7 8 जा 56 81 फिर सर 9 से भी हो रहा है. मतलब क्या बात. तो सर धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अगर अपन देखें और सिस्टमेटिक रूप से देखें तो हम किस तरफ जा रहे हैं. तो 1134 को आप लिख सकते हो क्या 7 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना आर स्क्वायर. बस एक 2 ही अड़ रहा है वरना यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो गया है. तो इसका मतलब 9 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. क्या बात है सर. अगर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दें तो पता नहीं क्यों आर इज इक्वल टू 9 इंटू 7 कितना 63 रूट 2 आ रहा है. सर क्या बात कर रहे हो. मैंने बोला चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं 2 भी कट जाएगा कहीं ना कहीं. चेक करेंगे तो काम होगा. आराम से करने की कोशिश करो. थोड़ा सा रोल हो तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या है. उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा है भाई सरफेस एरिया निकाल के दो. तो मैंने बोला देखो सरफेस एरिया निकालोगे तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर. अब आर कितना है 63 रूट 2 आपका तो 63 रूट 2 इंटू कितना 63 रूट 2 7 1 जा ये 7 कितना हो जाएगा 9 जा. इन शॉर्ट इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 4 इंटू 88 बताओ रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 63 जो भी होगा वही आंसर आ जाएगा क्या सरफेस एरिया. सर अगर आप आगे की बात करो तो वॉल्यूम कितना आएगा. वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 बाय आर क्यूब मतलब 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब. आर क्यूब का मतलब ही क्या 63 रूट 2 इंटू 63 रूट 2
इंटू 63 रूट 2। अभी सर ये वन जा और ये कितना हो जाएगा 9 जा, ये वन जा और ये कितना हो जाएगा 3 जा। तो सर देखो यार, अब ये मल्टीप्लाई तो करना अपना काम है तुम्हारा, 4 इंटू 22 इज 88। अब मुझे बताओ 63 ये रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे चल रहा है 3 रूट 2, यहाँ पे 63, फिर एक और बार 63 और ये रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया 2। चेक कर लो इसको मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे तुम्हारा